दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल तेरी मेरी डोरिया में साहिबा जड़ेगी सीरत को जोरदार थप्पड़। अब भाई सीरत की हरकतें दिन ब दिन इतनी घटिया हो जाएगी कि साहिबा से बर्दाश्त नहीं होगी। साहिबा ने और समनवीर ने पहले ही सीरत को वार्न किया था कि भाई वो कभी भी अंगद के कमरे में नहीं जाएगी, लेकिन सीरत के अरमान तो अब और भी ज़्यादा आसमान छूते नजर आएंगी जब गेरी उसके पास नहीं होगा और उसे कहीं ना कहीं अब लगेगा कि उसको अंगद के साथ होना चाहिए था और अंगद उसे से प्यार करता है और कहीं ना कहीं जीलियस ही अब उसके बीच में आ चुकी है। जब वो उसके शर्ट पर अंगद के शर्ट पर देखती है साहिबा की लिपस्टिक के निशान, भाई तभी से अब यहाँ पर बुरी तरह से जल रही है अंदर ही अंदर। अब सीरत जिसका बदला वो जल लेते दिखेगी, अब कोई ना कोई ऐसी हरकतें वो करती दिखेगी जिसके चलते हुए साहिबा का गुस्सा आसमान छू जाएगा। देखने को मिलेगा कि सीरत अब इतनी हदें पार करती नजर आएगी अंगद के करीब जाने की जो कि सच में थप्पड़ खाने लायक होगी और वो पहली गलती करने वाली है अंगद के बाथरूम में घुसने की। दरअसल देखने को मिलने वाला है कि भाई सावर खराब होने का बहाना बनाकर और पानी नहीं आने का बहाना बनाकर सीरत किसी और के नहीं अंगद के कमरे में जाकर नहा लेती और उसे लगता है भाई उसके तो पप्पा जी की प्रॉपर्टी है, वो अंगद के कमरे में कभी भी जा सकती है और उसे अभी भी लग रहा है कि वो उससे प्यार करता है और उस पर उसका उतना ही हक है। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि अंगद भी अचानक से उस बाथरूम में घुस जाता है और उसे नौक उसे पता नहीं होता है और कि सीरत यहाँ क्यों है, क्योंकि उसे लग रहा था कि साहिबा तो भी बाहर थी। जिसके बाद देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अंगद सीरत को देखकर शॉक्ड रह जाता है और वो वापस बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन अंगद बेचारा एक तरह से उसे कोई बोल नहीं पाता। सीरत को यहाँ पर देखकर साहिबा उसे जोरदार थप्पड़ मार देती और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी है किसी और के बाथरूम में, तुम नहीं चाहते तुम गेस्ट हाउस वाले गेस्ट रूम में भी जाकर नहा सकती थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे सब समझ आ रही है और अब तुम सीरत दी नहीं हो मेरे लिए, अब तुम सीरत हो और मेरी देवरानी हो और उसे उसकी औकात दिखाएगी साहिबा। और देखने को मिलने वाला है घमासान शुरू होने वाला है दोनों बहनों के बीच, जो कि हम आपको अपडेट लेके पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।